फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव हॉरर फिल्म्स, तो एक तो वो था कि फिल्मों से पहला प्यार, आई नो नो वन सेज दैट, बट मेरे लिए पहला प्यार मेरी हॉरर फिल्में थी. एंड आई इंसिस्टेड बिकॉज आई वर्क विद शशांक खेतान ऑन हम्प्टी शर्मा की दुल्हन, आई वाज एज असिस्टेंट डायरेक्टर. सो जब मैं इनके पास आइडियाज लेके गया था, धर्मा है रोमांटिक कॉमेडी बनाएगा, हॉरर तो दूर दूर तक नहीं बनाएगा. सो इवन आई वॉज राइटिंग रोमांटिक कॉमेडी और मैं शशांक के पास गया कि मैंने एक आइडिया लिखा है, ये बहुत अच्छा है. तो शशांक ने सुना और दो घंटे बाद मुझे फोन किया कि नहीं काम करेगा और कुछ नया आइडिया है. ऐसा नहीं हुआ था, इन्होंने आइडिया लाके दिया कि उन्होंने जो फिल्म पिच की थी वो एग्जैक्टली हम्प्टी शर्मा की कॉपी थी. तो मैंने बोला यार मैंने कम से कम DDLJ की कॉपी बनाई, तुम कम से कम कोई आइकॉनिक फिल्म की तो कॉपी बनाओ. एंड देन प्लीज कंटिन्यू. तो फिर मैं इसके एक आइडिया लेके गया, मैंने कहा देख ऐसे ऐसे एक शिप पे मेरा एक आइडिया, ऐसा ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था और मेरे को लगता है इसमें पूरी एक फिल्म है और एक हॉरर फिल्म है. सो पर मुझे लगता नहीं कि धर्मा प्रोड्यूस करेगा. वो कहता क्यों नहीं, कहता करते हैं ना तू लिख, धर्मा को शॉक करते हैं, ऐसी स्क्रिप्ट लेके जाएंगे वो कहेंगे पागल हो गए हो, और फिर जब वो स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो देखते हैं क्या होता है. सो आई थिंक इन अ लॉट ऑफ वेज शशांक हैज इंस्पायर्ड मी एंड ही वाज द मेन रीजन दैट आई गॉट ऑन टू द पेपर एंड स्टार्टेड राइटिंग दैट फिल्म एंड फिनिश्ड राइटिंग एंड देन वी पिच्ड इट टू करण एंड